ये यहाँ तक है भाजी मार्केट और उसके बाद में यहाँ से अब शुरू होगा ये चिन्नी मार्केट। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ चिन्नी मार्केट, वो भी कुर्ला में। और वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ कि भाई इस मार्केट का चिन्नी नाम है, तो यहाँ पर सब कुछ चिन्नी के भाव में मिलता होगा। तो चलेंगे, वहीं पर चल के देखेंगे और आप लोग को सब कुछ बताएंगे क्या रेट है वहाँ पर और क्या कुछ मिलेगा। भाई आज का ये व्लॉग पूरा मोटो व्लॉग होने वाला। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, पीछे मेरे इतनी सारी गाड़ियाँ पास हो रही है और मैं भी चलने वाला हूँ बाइक से। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, एंड तक आप लोग बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस व्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ सब कुछ, पूरा रोड टूर करने वाला हूँ, बाइक से जाऊँगा, कैसा क्या रहेगा पूरा नज़ारा। तो एंड तक आप लोग बने रहना। तो चलो चलते हैं, फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ कैसा पूरा नज़ारा रहने वाला। तो चलो चलते हैं, चल के ही देखते हैं सब कुछ। तो चलो भाई निकलते हैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग सामने देखो, ये कुर्ला ईस्ट टू वेस्ट जोड़ने वाला ये ब्रिज है और इस ब्रिज से मैं निकला हूँ। तो यहाँ से ही मैं चलूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा किस तरीके का पूरा नज़ारा रहेगा भाई, जो कि यार बाइक से जब भी मैं जाता हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा आगे ट्रैफिक मिलती है। और देखते हैं आज भी ट्रैफिक रहता है या नहीं। और यहाँ पर भाई अपना लेफ्ट का जो सिग्नल है वो चालू है, तो यहाँ पर लेफ्ट निकल सकते हैं, अपने कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये जो ब्रिज है भाई, ये ईस्ट टू वेस्ट जोड़ता है और यहाँ पे सामने के साइड में आप लोग को लोकमान्य तिलक टर्मिनस देखने मिलेगा, जो कि वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं और यहाँ से सीधा चलेंगे। और चिन्नी मार्केट का नाम बहुत ज़्यादा मैं सुना हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था कि चिन्नी मार्केट दिखाओ, तो फाइनली मैं सोचा कि चलते हैं चिन्नी मार्केट, आप लोग को दिखाता हूँ। और मैं सोचा कि यार आज बाइक से चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है आप लोग को मोटो ब्लॉगिंग कोई दिया नहीं हूँ। एक बनाया था वो मिडिल क्लास जिंदगी वाला, जिसमें कि मैंने आप लोग को सब कुछ खा पी के बताया था कैसा क्या रहता है। तो मैं सोचा चलो आज मोटो ब्लॉगिंग हो जाए, आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, कुछ नया देखने मिलेगा। तो चलते हैं। और ये रास्ता है भाई, अभी देखो यहाँ से ट्रैफिक पूरा स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये वाले रास्ते पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर भी चलते हैं, देखते हैं कितने टाइम में हम लोग पहुँच जाएँगे चिन्नी मार्केट, क्योंकि यहाँ से बाइक तो निकल जाता है साइड साइड में। बाकी भाई साहब यहाँ पर जो गर्दी होती है ना, ये अभी अभी होने लगी है, मतलब कुछ महीनों से। इसके पहले यहाँ पे आगे के साइड में अभी कैसा है ना, आगे के साइड में मेट्रो का काम चालू है, तो उसके वजह से गाड़ी रास्ता थोड़ा पतला हो गया, तो गाड़ी थोड़ी सी रुक रुक के चलती है। बड़ी गाड़ी जो रहती है वो फंस जाती है ना भाई, इसके वजह से सबकी हालत ख़राब हो जाती है भाई ऐसे जाम में। सब लोग ऐसा कैसा चढ़ चढ़ के जा रहे हैं ऊपर से, जो कि ये गलत है भाई। फुटपाथ पे है तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, मैं तो भाई सीधा सीधा ही जाऊंगा। देख लो भाई, देख लो किस तरीके से भाई रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके का भाई सीन है, गलत है यार। जब रोड है अपने लिए तो रोड से चलो ना, जिसके लिए फुटपाथ बना है उनको फुटपाथ पर चलने दो। लेकिन चलो भाई, जिसको जल्दी रहती है, क्या ही जल्दी है, दो मिनट में तो पार हो जाएंगे, यहीं से दो मिनट में पार हो जाएंगे, तो जाने की क्या ज़रूरत है उधर, क्या बोलने का भाई किसी को। अब जैसे मैं बताया ना, यहाँ पर गर्दी होने का रीज़न ये है, आगे देखो आप लोग वहाँ पे मेट्रो का काम चालू है, उसके वजह से पूरी गर्दी लग के भाई वहाँ पे देखो सामने के साइड में। अब ऐसे जब बड़े बड़े बस वाले आ जाते हैं और फिर ये बड़े बड़े ट्रक आ जाते हैं, इनके वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। बाकी हम जैसे लोग तो भाई निकल जाते हैं साइड से। अभी चिन्नी मार्केट की गर्दी आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो। अब आगे ये बस वाला ना ज़्यादा दबा दिया है, नहीं तो ये सब बाइक वाले निकल जाते थे, वो ट्रक वाला भी दबा के रखा है। थोड़ा सा कट कट मारना पड़ता है भाई, नहीं तो दबा के रखेंगे सब। कटकुट मारेंगे ना तभी पास होंगे, नहीं तो फिर दबे रहो। देखो अभी फिर से वो दबा रहा है, कहीं भी जीने नहीं देंगे भाई। अपना काम हो गया, अरे फिर से फंस गए भाई साहब। गर्दी में निकालने का भाई यही तरीका है, कटकुट मारो और कोने कोने में से घुसो और निकल जाओ। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि एकदम लाइन से चलूँ, सबके साथ फॉलो करूँ, तो फिर फंसे रह जाओगे। और जब यहाँ वहाँ से कोने वोने से निकलोगे ना, तो फटाक से निकल जाओगे। जैसा देखो अभी कोने वोने से मार के निकल गया। अब यहाँ से अपने को ना आगे से लेफ्ट मारना है, लेफ्ट मार के अपन भाजी मार्केट में घुसेंगे।
देखते हैं। यहाँ पे गर्दी होने का रीज़न मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पे गर्दी मतलब पहले से होती है, लेकिन उधर नहीं होती थी, ये आगे के साइड में होती थी गर्दी। लेकिन अभी ये सब पूरा देखो काम पूरा खोद खाद के रख दिए ना भाई, देखो ये देखो लेफ्ट साइड में भी देखो राइट साइड में भी देखो, तो क्या रास्ता है ना थोड़ा पतला हो गया, पहले ये रास्ता बहुत चौड़ा था तो यहाँ पर गर्दी कम होती थी, और अभी ये रास्ता बहुत ज़्यादा पतला हो गया इसकी वजह से गर्दी होती है, और अपने को यहाँ से लेफ्ट मार लेना है। अब यहाँ से अपने को थोड़ा सा सुकून मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, बट बोल नहीं सकते भाई, कुर्ला वेस्ट है, कुर्ला वेस्ट में सोचो कुछ और निकलता कुछ है ऐसा सीन, क्योंकि यहाँ पे भाई कैसा है ना, चिंदी मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती मार्केट है, तो लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर शॉपिंग करने का। सिर्फ यहाँ पे चिंदी मार्केट ही नहीं है भाई, बहुत सारी मार्केट है, जैसे कपड़ा वपड़ा लोग ख़रीदते हैं तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, और दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने, इसके वजह से यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है। पहुँचते हैं और आप लोग को दिखाते हैं मार्केट में क्या कुछ मिलेगा, और चिंदी मार्केट से होते होते अपन निकल जाएंगे बाबा हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ तक आज आप लोगों को मैं पूरा नज़ारा दिखाता हूँ भाजी मार्केट का, पूरा बाइक राइडिंग, जो कि यार आप लोगों ने यार बहुत ज़्यादा बोला था कि चिंदी मार्केट दिखाओ, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चिंदी मार्केट में। हाँ, यहीं से देखा जाए तो शुरुआत हो जाती है चिंदी मार्केट की, यहाँ से भी एक रास्ता है लेकिन अपने को चिंदी मार्केट जाना है ना, चाइना मार्केट भी इधर ही है, चाइना मार्केट, चिंदी मार्केट, भाजी मार्केट सब एक ही मार्केट में है, और चाइना मार्केट भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूंगा, बाद में आप लोग अगर बोलेंगे तो वहाँ पे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर घुस के। चाइना मार्केट एक घर के जैसा है, उसके अंदर पूरी मार्केट जैसा अपना मनीष मार्केट है ना वैसा है, तो चलेंगे अभी यहाँ से अपने को राइट मारना, अपना राइट वाला इंडिकेटर पीछे का ख़राब है तो उसको भी मैं लगवाऊंगा, तो आप लोग को ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, चेंज कराऊंगा। तो बाकी देखो भाई पार करने नहीं देते हैं, अब यहाँ से अपने को राइट मार, यहीं से देखो फाइनली यहीं से अपनी पूरी चिंदी मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग देखते रहना इसमें आप लोगों को क्या कुछ अपने काम का आप लोग को मिलेगा। यहीं से पूरी मार्केट स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी अपने को देखने मिलेगी पैदल चलने वालों की, और इसी में ऑटो वगैरह देखो यहीं से अपना चिंदी मार्केट स्टार्ट होता है पूरा। और भाई साहब देखो ये भाजी मार्केट है, अभी ये भाजी मार्केट था यहाँ तक, ये देखो दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ तक है भाजी मार्केट, और उसके बाद में यहाँ से अब शुरू होगा ये चिंदी मार्केट, और शायद यहाँ पे बीएमसी की गाड़ी खड़ी है, इसके वजह से भाई यहाँ पे बहुत कम दुकानें लगी हुई हैं। हाँ देखो यहाँ पे ये बीएमसी की गाड़ी है, नहीं तो भाई ये मार्केट पूरा भरी हुई रहती है, ये बीएमसी की गाड़ी खड़ी है इसके वजह से आज बंद है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ सस्ते में मिलता है भाई, देखो 300-300 में सब लगा है, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग को सस्ते में मिलेगा, और भाई जाना सही नहीं लगता, निकल जाएंगे, पता नहीं क्यों यार इतना गर्दी है यहाँ पे कि अपने को थोड़ा सा रुक रुक के आना पड़ रहा है। ये क्या यार, ये बोर्ड ऐसा था कि वैसा था पता नहीं। ये सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ना भाई, ये है चाइना मार्केट, ये सामने वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो, तो अपने को चाइना मार्केट में नहीं जाना है, अपने को इधर जाना है। देख रहे हो गर्दी भाई, और हटते ही नहीं है। अभी ये बीएमसी की गाड़ी है ना भाई, बीएमसी की गाड़ी नहीं होती ना तो यहाँ पे पैदल चलने की भी जगह नहीं रहती है। लेकिन चलो यार, मैं सोचा था कि मुझे पता नहीं था ना यार कि बीएमसी की गाड़ी होगी, नहीं तो मैं बाद में आता, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई चिंदी मार्केट देख लो इस तरीके का है पूरा, जो कि पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया, और मैं अभी ये चिंदी मार्केट से निकल के आगे के साइड में जा रहा हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा, जैसा कि आप लोग तो देख ही रहे हो ना, सब तरफ आप लोग देखते रहो कि क्या कुछ भाई इस मार्केट में आप लोग को मिलेगा, क्योंकि ये मैं व्लॉग आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हर एक चीज़ आप लोगों को पता रहेगा कि किधर पे क्या है, रास्ता कैसे है, जाना कैसे है, तो सब कुछ आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल जाएगा। इसके लिए मैं पूरा घूम के दिखा रहा हूँ, अभी मैं आया कुर्ला ईस्ट से, और कुर्ला ईस्ट से वेस्ट में कैसे आया, उसके बाद में वेस्ट से चिंदी मार्केट में कैसे आया, उसके बाद में अभी ये जो मार्केट है ना, इसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन चिंदी मार्केट से निकल के ये सीधा अपने को बाबा हॉस्पिटल की तरफ जाता है रास्ता। तो ये बाबा हॉस्पिटल की तरफ में देखो इस तरीके की बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पर आप लोगों को साड़ी वगैरह मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा भाई। यहाँ पर देखो ऐसा बहुत सारा आप लोग को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना भाई, यहाँ पर सब मिलेगा। देखो बर्तन वगैरह, पेटी वगैरह, मतलब ए टू जेड जो कुछ भी चाहिए भाई कुर्ला मार्केट में आप लोग आओ, सब कुछ मिलेगा। ये कुर्ला मार्केट है देखा जाए तो, और चिंदी मार्केट और भाजी मार्केट और चाइना मार्केट तो एकदम पास में ही है सब, तो वहाँ पे तो आप लोगों को कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा।
उसके बाद में ये भी मार्केट है, यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे इसी तरीके का व्लॉग देखने के लिए, तो और भी बहुत सारा व्लॉग मैं आप लोग को बना के दिखाऊँगा, जो कि मैं मोटो व्लॉगिंग करके ही आप लोग को दिखाऊँगा ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप लोग ज़्यादा पकते भी नहीं हैं और सब कुछ आप लोग के समझ में भी आ जाता है। और पैदल चलने में क्या होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे घूम घूम के पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें आप लोग को कितनी सारी चीज़ें देखने मिली है ना, तो आप लोग कमेंट करना कि कैसा व्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं। बाकी भाई मार्केट में अभी गर्दी नहीं है, और अगर 6-7 बजे के टाइम पर आऊँगा तो बहुत ज़्यादा गर्दी रहेगी, और वैसे इतने टाइम भी गर्दी यहाँ पर रहती है। लेकिन रीज़न मैंने आप लोग को बताया ना कि वहाँ पर BMC की जो गाड़ी है ना वो खड़ी हुई है, इसके वजह से भाई बहुत कम गर्दी है, क्योंकि सब दुकानें जो रोड पे लगती है वो सब बंद है। बाकी यहाँ पर देखो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी, और देखते हैं आगे और क्या देखने मिलेगा। सब कुछ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज, क्योंकि जब मैं इस मार्केट में कुर्ला मार्केट में शुरू किया हूँ, तो आप लोग सब कुछ देखोगे यहाँ पर क्या कुछ होता है। और भाई पेटी वगैरह चाहिए ना तो यहाँ पर भी है, देखो पेटी वगैरह यहाँ पर भी आके ले सकते हैं। उसके बाद में इधर भी है आगे के साइड में पेटी वगैरह, और मतलब जैसा भी आप लोगों को कुछ चाहिए, अगरबत्ती वगैरह चाहिए तो यहाँ पे है। और मतलब यार हर प्रकार के आप लोगों को सामान इधर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो ये है अपना लेफ्ट साइड में, ये है बाबा हॉस्पिटल, ये देखो इधर के साइड में। और अपन यहाँ से अभी राइट मार के निकल जाएंगे जिधर से आए उधर, क्योंकि अपने को ये मार्केट दिखाने का था। और इधर पर भी आगे के साइड में भी छोटे मोटे दुकानें, मतलब जैसा ज़रूरत का सामान छोटा मोटा चाहिए रहेगा ना, तो वो आगे के साइड में उधर मिल जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे तो वहाँ का भी बना के दिखाऊंगा। बाकी अभी इधर से चलते हैं आगे के साइड में, थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं आगे तक क्या है। और ये सब भी मार्केट का हिस्सा है भाई, तो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी जेरोक्स की दुकान है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, जेरोक्स वगैरह लेना रहेगा तो जेरोक्स भी ले सकते हैं। मतलब हर प्रकार की चीज़ें आप लोगों को इस मार्केट में देखने मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को अपने इस बाइक के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया। अब यही चीज़ अगर मैं पैदल दिखाता ना भाई, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और वीडियो ख़त्म हो जाती। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो भाई हर एक चीज़ का रेट और रेट वगैरह, वैसे मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में एक बहुत महीनों पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था पैदल चल के, उसमें मैंने आप लोगों को रेट वगैरह बताया ही था कि किस प्रकार से रेट रहता है, किसका कितना रेट रहता है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो यहाँ पर बस यही सब कुछ था और देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से मैं अपना राइट मार के अपने घर की तरफ निकल जाऊँगा, बस इतना ही था इस मार्केट में। तो भाई लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ यहाँ पर मिलता है अपने को कुर्ला मार्केट में। तो यहाँ पर एक बार आके आप लोग ज़रूर विजिट करना, और यहाँ का और भी ज़्यादा अगर व्लॉग देखना है, सब चीज़ का रेट अगर जानना है देखना है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं आऊँगा यहाँ पर और सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा कि क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। भाई थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसके वजह से मैं यहाँ पर बाइक से आया और बाइक से आके आप लोग को सब कुछ दिखाया। तो बस यार आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।